नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी छत्ता न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो आइए सुनते हैं यूपी छत्ता न्यूज की फटाफट खबरें और देखते हैं जनपद की कुछ बड़ी और खास खबरें। खबरें जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो आइए देखते हैं जनपद की खास खबरें। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ब्रजेंद्रनाथ चौधरी का फरमान, दो पहिया व चार पहिया वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त हो गई है यानी 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, ऐसे वाहन स्वामी अपने वाहनों का पंजीयन का नवीनीकरण जरूर कराएं, अन्यथा वाहन सड़क पर नहीं चला सकेंगे। गंदे नाले का पानी कर रहा है किसानों की फसलों को बर्बाद। जी हां, रामपुर डबरपुर के किसानों की लगभग 100 बीघा खेती बर्बाद हो गई है क्योंकि शहर का गंदा पानी नाले से होकर आमिलपुर सोता रहनिया में जाकर गिरता है, जिसके कारण ग्रामीणों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सदर तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम ने 86 शिकायतें सुनी, जिनमें से मौके पर 5 का निस्तारण किया गया, जिसमें राजस्व संबंधी 56 शिकायतें, पुलिस संबंधी 14 शिकायतें, इसके अतिरिक्त बिजली विभाग की शिकायतों के प्रार्थना पत्र भी पहुंचे। जनपद का मिनी महाकुंभ यानी वार्षिक मेला रामनगरिया की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया है। इसी बीच मेला आयोजन समिति के आजीवन सदस्यों की समिति में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत बिंदुवार मुख्यमंत्री पोर्टल पर भेजी गई। शहर के लालसराय स्थित मछली मंडी में मुर्गा चोरी के शक में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, बाजार में जमकर लाठी डंडे चले, दोनों पक्षों की गुत्थम गुत्था सड़क पर आ गई और लोग तमाशाई बन तमाशा देखते रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को पूछताछ के लिए कोतवाली में बैठाया। जनपद में सक्रिय परमार्थ संस्थान मानव सेवा में सदैव तत्पर रहता है, इसी के चलते परमार्थ संस्थान वृद्धों विकलांगों व विधवाओं को कंबल व कपड़े वितरित किए। कार्यक्रम में पधारे जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने अपने कर कमलों द्वारा कंबल व कपड़े वितरित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी छत्ता न्यूज, क्योंकि हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।